हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सपना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक की एक और रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगी केक के अंदर का जो ब्रेड होता है वो एकदम बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बनाने की रेसिपी, और साथ में बिल्कुल आपका जो केक है ना वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेगा, एकदम बेकरी जैसा केक बनेगा आपका। तो कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका केक हार्ड हो जाता है, एकदम बेकरी जैसा नहीं बनता है, तो आज आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो चलिए इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मोल्ड तैयार करेंगे। तो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे कि मोल्ड में घी लगाना होता है, घी से अच्छे से ग्रीस करना होता है, घी या ऑयल से आपको ग्रीस करना होता है, उसके बाद बटर पेपर लगाना होता है। आपको यहाँ पर बटर पेपर नीचे तो लगाना ही है, साथ में आपको क्या करना है, साइडों में इस तरीके से भी बटर पेपर लगाना है। तो आप बस इस तरीके से बटर पेपर लगा दीजिएगा, आपकी जो केक है ना वो नीचे से सॉफ्ट बनेगा, साथ में साइडों में से भी एकदम सॉफ्ट बनेगा और उसका कलर बिल्कुल लाइट रहेगा, एकदम रुई की तरह आपका जो केक है वो बनेगा। तो इस तरीके से बटर पेपर लगाने के बाद आपको चारों तरफ से इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर देना है। यहाँ पर मोल्ड हमारा तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। अब हम यहाँ पर केक का जो बैटर है उसे बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे अंडे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ, अगर आपके पास इस तरीके से बड़े साइज के अंडे हैं तो आप यहाँ पर 3 अंडे ले लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 3 बड़े अंडे हैं और एक छोटा अंडा है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि तीन एक साइज के अंडे हैं और एक छोटा अंडा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के अंडे हैं, एक थोड़ा छोटा है और एक उससे भी छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं। अगर आपके पास काफ़ी बड़े अंडे हैं तो आप यहाँ पर 3 अंडे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे अंडे एक एक करके तोड़कर इस तरीके से डाल देती हूँ। टोटल हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, 2 छोटे अंडे हैं, 2 बड़े अंडे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक बीटर होना चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर विस्कर ले सकते हैं, लेकिन विस्कर से ये काम इतना अच्छे से नहीं होता है जितना इलेक्ट्रिक बीटर से होता है। तो अगर आपके पास ये है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमने अंडे को थोड़ा सा फैट लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप पिसी हुई शुगर। आप यहाँ पर कैस्टर शुगर ले सकते हैं या घर पर चीनी को पीस कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप शुगर ली है, थोड़ा थोड़ा हमें शुगर डालना है और इस तरीके से बीट करते जाना है अंडों को। जैसे जैसे आप इसको बीट करते जाएंगे और आपको यहाँ पर शुगर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, तो आप देखेंगे ये जो बैटर है ना अंडे का, ये एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा, बाउल जो है ना वो पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो इतना हमें बीट करना होता है, जब तक ये एकदम क्रीम की तरह ना हो जाए तब तक हमें इसको बीट करना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत हद तक इसको अच्छे से बीट कर लिया है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। और अब मैंने यहाँ पर डाला है लगभग 1 चम्मच वनीला एसेंस। तो आपको यहाँ पर वनीला एसेंस ज़रूर डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल किया है, तो वनीला एसेंस से क्या होता है, अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से सारे ये जो अंडे थे उनको अच्छे से फैट लिया है, बीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1/3 कप मैदा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, मैदा लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। आपको यहाँ पर ना बेकिंग सोडा लेना है, ना ही बेकिंग पाउडर लेना है, ना ही सॉल्ट लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चलनी में मैदा लेना है, जितना आपने ले लिया है थोड़ा थोड़ा छानते जाइए और इस तरीके से मिक्स करते जाइए कट एंड फोल्ड मेथड में। तो आपको इस तरीके से मैदा को अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने सारी मैदा को अच्छे से छान लिया है और इस बैटर के अंदर अच्छे से इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड में इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसी तरीके से मिक्स करना है। आप मैदा डालकर इसमें बीटर बिल्कुल भी मत चलाइएगा, नहीं तो ये जो बैटर है ना ये बिल्कुल आधा रह जाएगा आपका, अभी जितना दिख रहा है ना उतना नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मैदा मिलाते हुए मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब ये जो बैटर है वो ना 3 गुना रह गया है बस। तो यहाँ पर हम इस बैटर को तैयार हो गया है और हमने यहाँ पर इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा आपने कि मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से इस केक को बनाया है। तो यहाँ पर हमने पिसी हुई शुगर ली है, मैदा ली है और अंडे लिए हैं बस, और कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर, और अब ये जो कढ़ाई है प्री हीट हो गई है, तो अब हमने यहाँ पर इसको बेक करने के लिए रख दिया है केक को। तो चलिए चेक कर लेते हैं केक को। ये देखिए
आपका 25 से 30 मिनट में ये जो केक है वो अच्छे से बेक हो जाता है। आप बीच में भी अच्छे से चेक करते रहिएगा, कम से कम 20 मिनट के बाद आपको केक को चेक करना होता है। तो ये देखिए हमारा ये जो केक है एकदम बढ़िया से बन गया है, आप देख सकते हैं एकदम रूई की तरह सॉफ्ट ये केक बना है, आप देख ही सकते होंगे। थोड़ा सा ये जो केक फूला था ना तो प्लेट में चिपक गया था इस तरीके से, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन केक आप देख सकते हैं आपको देखने में ही बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम रूई की तरह लग रहा है ना ये केक, बिल्कुल बेकरी की तरह ये केक बनेगा। जब आप इस पर आइसिंग करेंगे, जब आप इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे, तो ये केक अंदर से बिल्कुल बेकरी ही की जैसा ही लगेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए मैं आप इसका बटर पेपर हटा देती हूँ और अब आप देख सकते हैं इस केक को कितना लाइट कलर आया है नीचे से। देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक ये बना है, ये देख सकते हैं। और ये केक इतना हल्का है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल 100 ग्राम का केक है, लेकिन इस केक को जब हम तैयार करेंगे तो ये पूरा 1 किलो का केक बन जाएगा। लेकिन इसको उठाने में ना ये जो ब्रेड है बिल्कुल 100 ग्राम का लग रहा है, बहुत ही हल्का ब्रेड है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और थोड़ा सा पास से आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ब्रेड एकदम सॉफ्ट और एकदम रूई जैसा बना है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम बेकरी जैसा केक बना है। तो इसी तरीके से अगर आप घर पर केक बनाना चाहते हैं तो आप इस ब्रेड को सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस रेसिपी को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। साथ में जो बेल बटन होता है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।